इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो फ्लक्स इज रिलेटेड टू फ्लो क्वांटिटी. फ्लक्स इज रिलेटेड टू फ्लो क्वांटिटी. क्लियर? द क्वांटिटी व्हिच इज फ्लोइंग, क्लियर? और फ्लो कर रहा तो वहां फ्लक्स आएगा, है कि नहीं? फ्लक्स आएगा. क्लियर? जैसे फ्लूइड फ्लक्स, फ्लूइड फ्लक्स, फ्लूइड फ्लक्स मीन्स योर फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन एरिया. फ्लक्स इज ऑल्सो फ्लक्स मीन्स वॉट? फिजिकली फ्लक्स रिलेट रेट ऑफ फ्लो. फिजिकली फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ फ्लो. फिजिकली फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ फ्लो इन फ्लूइड डायनेमिक्स. इन फ्लूइड डायनेमिक्स यू नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन फ्लूइड डायनेमिक्स. इन फ्लूइड डायनेमिक्स यू नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. व्हिच इज क्यू इज इक्वल टू ए बी and that is constant. This is the equation of quantity. So this quantity q is equal to av is called the rate of flow or flow volume per unit rate of flow means mass per unit volume yani ki per second mein kitna volume यानी कि सॉरी वॉल्यूम पर सेकंड यानी कोई पाइप है उसके थ्रू पर सेकंड में कितना वॉल्यूम पास करेगा. इफ दिस इज अ पाइप, दिस इज द पाइप, क्लियर? एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड हैविंग एरिया ए एंड वेलोसिटी वी. सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एरिया विद वेलोसिटी देन दैट विल बी द रेट ऑफ फ्लो. मींस इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में बाबू कितना वॉल्यूम का फ्लूइड क्या होगा जाएगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्लक्स. रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्लक्स. सो दिस इज द फ्लूइड फ्लक्स एबी. एबी अब देखो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन. सो मान लो इधर पानी जा रहा है. सो दिस इज द फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग. दिस इज द फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग. दिस इज द फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग. And there is a this is the ये ऐसा कुछ. क्लियर? अब मान लो इधर से फ्लूड आ रहा है. मतलब ये जितना एरिया फ्लूड आ रहा है. क्लियर? अब देखो इस मतलब मान लो कि पाइप है, ऐसा कुछ पाइप है. मान लो कि ऐसा ये ऐसा है. दिस इज लाइक दिस. ये ऐसा कुछ है. तो अभी वर्टिकल होगा. मान लो कि ये होलो है. इतना समझो कि होलो है. ये मतलब क्या है कि होलो है और ये बाउंड्री है. मतलब ये वाला पार्ट जो अंदर वाला ये नहीं है. यानी कि होलो है, पानी इधर से चला जाएगा, फ्लूइड इधर से चला जाएगा. ये बाउंड्री है. दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? क्लियर? अब बाबू देखो इधर से क्या होगा कि फ्लूइड इधर से आ रहा है. इधर से फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है. तो ऐसा रखोगे तो क्या होगा? अब देखो दो चीजें करनी है हमने. ऐसे एक बार कहीं इधर से फ्लूइड आ रहा है, इधर से फ्लूइड आ रहा है, इधर से फ्लूइड आ रहा है. क्लियर? और हमने ऐसा रखा है तो फ्लूइड जाएगा अंदर से. अब क्या होगा? थोड़ा सा इसको टिल्ट करो, टिल्ट करो. तो क्या होगा? फ्लूइड जाना क्या हो जाएगा? इधर से कम हो जाएगा. जब ऐसे कर दोगे तो फ्लूइड जाएगा क्या? जाएगा क्या? अगर ये एरिया की बाजू होता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, तो अगर ऐसा होगा इफ एरिया लाइक दिस एंड फ्लूइड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसा होगा क्या होगा? मैक्सिमम फ्लो रेट होगा. और जैसे जैसे करने का क्या होगा? फ्लो रेट स्टार्ट डिक्रीजिंग. जब ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लो रेट क्या होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा. ऐसे करने से फ्लूइड फ्लो होगा नहीं ना. मींस योर फ्लो रेट फाई इज इक्वल टू ए वी, वेयर ए इज द एरिया एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ
fluid. So your fluid flow, flow rate depends upon the area of the cross section and also velocity of the fluid. But it also depends upon the angle between area vector and the velocity vector. Velocity vector. Your rate of flow depends upon area vector, velocity vector and theta. Where theta is the angle between area vector and velocity vector. Area vector and velocity vector. You know area vector is the vector normal to the surface. Area vector is the vector. So this is the surface. Area vector will be normal to the surface. Clear? This is the area vector. So this will be the this marker will be the area vector. Na? A line normal to the area is called the area vector. So area is the vector quantity and direction is the normal to the surface. So direction of area. Area vector kitna hota hai babu? Area vector is अबे खांसना है तो म्यूट करो यार, ये जिंदगी भर यही बताते रहूंगा मैं सबको, म्यूट करो यार उधर से। सो एरिया वेक्टर इज द नॉर्मल, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सर्फेस। सब देखो हुआ क्या, अगर फ्लूड इधर जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लूड, फ्लूड इधर जा रहा है, दिख रहा है ये फ्लूड इधर जा रहा है। अब देखो दिस इज द सर्फेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द सर्फेस, नॉर्मल टू द सर्फेस, यानी कि ये एरिया है तो डायरेक्शन क्या होगा बाबू, नॉर्मल टू द सर्फेस। और फ्लूड भी क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, फ्लूड भी इधर जा रहा है। तो अब क्या होगा, हियर वेयर व्हेन दिस इज बिल्कुल ऐसा कुछ है और फ्लूड ऐसे जा रहा है, देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो ना। इसका तो अब नॉर्मल एरिया वेक्टर दो भी हो सकता है, मान लो ये सर्फेस है, ये सरफेस है, क्लियर। अब इसका एरिया इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हमने कौन सा एरिया लेना है, विल टेक द एरिया व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड, जो डायरेक्शन की क्या होगा, फ्लूइड डायरेक्शन में ही होगा। तो मान लो कि ये था, अब फ्लूइड इधर से जा रहा था, इधर से, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इधर भी हो सकता है बाबू और इधर भी हो सकता है, नॉर्मल इधर भी हो सकता है। हम अगर फ्लूइड डायरेक्शन किधर है, इधर, तो हम नॉर्मल किधर लेंगे, इधर लेंगे, क्लियर। सो अगर तुम्हारा ये ऐसा है बिल्कुल, देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज 0 डिग्री, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, दिस एंगल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री। और जब ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, फ्लो रेट क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। इसका मतलब क्या, देयर इज रिलेशन, और रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि व्हेन योर थीटा इज जीरो रेट ऑफ फ्लो इज मैक्स, फ्लो इज दिख रहा बाबू, क्लियर, ये दिख रहा है। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन रेट ऑफ फ्लो इज मिनिमम ना, रेट ऑफ फ्लो इज मिनिमम। चलो लिखो, मैं रिकैप करवाऊंगा, लिखो जल्दी लिखो, डन बाबू, कर लिया, डन, गुड। सो फ्लूड बाबू इधर जा रहा, क्लियर। एंड व्हेन योर एरिया इज लाइक दिस, एरिया इज लाइक दिस, क्लियर, एरिया इज लाइक दिस, ये दिस इज द एरिया, क्लियर, एंड दिस इज द फ्लूड, देन नॉर्मल टू द एरिया इज दैट नॉर्मल, दिस कैन बी टेकन एज आल्सो नॉर्मल एंड दिस कैन बी टेकन एज आल्सो नॉर्मल, नॉर्मल ये भी हो सकता है बाबू और इधर भी नॉर्मल। सो ये टेक लोगे, ये लोगे, तो हमें एक रूल याद रखना है, द नॉर्मल इज टेकन सच दैट द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल लाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो
अब क्या ये नॉर्मल है, इससे कंप्लीट क्या होगा, इससे कंप्लीट इधर ही होगा, इससे कंप्लीट क्या होगा इधर होगा, इससे कंप्लीट क्या अपोजिट है ना, हमने क्या करना है नॉर्मल ऐसा लेना है जिसका कंप्लीट किधर हो, इंटरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर नॉर्मल शुड बी इन दिस डायरेक्शन, दूसरा केस लेंगे दिस इज द सेकंड केस एंड ही इज दिस इज द फ्लूइड, दिस इज द फ्लूइड एंड योर सरफेस इज सम थिंग लाइक दिस, ये क्लिटेड कर दिया तुमने, क्लिटेड कर दिया बेटे, सो व्हाट नॉर्मल विल बी, व्हाट नॉर्मल विल दिस नॉर्मल, ये भी हो सकता है और नॉर्मल ये भी हो सकता है, द टू आर द नॉर्मल ना, द टू आर द ये भी हो सकता है। तब भी कितना ही बनाएगा, यहाँ से अगर डॉटेड लाइन लोगे तो इफ इफ दिस इज थीटा, ऐसा करो ये देखो ये यही नॉर्मल डाल दो, पास नहीं समझ आ जाएगा, नॉर्मल ये भी ले सकते हो या नॉर्मल ये भी ले सकते हो ना, तो अब क्या होगा यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे क्या होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ना, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा ना, तो इसका इसका कंप्लीट क्या होगा, ये होगा कमाल एरिया वेक्टर, अगर ये लेकर क्या होगा ये ए कॉस थीटा और इधर वाला बाबू ए sin theta, so this component of area vector is anti parallel to velocity vector and this component of, so if you are talking this, if you are taking this as normal then component of this one is parallel to velocity vector and if you are taking this one as velocity vector then component of this one is anti parallel to velocity vector, condition kya ki you will take normal in such a way that the component of your velocity vector lie in the direction of velocity vector, so kaun sa lenge babu ye wala lenge, got my point, so we will take normal such that the component of normal lie in the direction of velocity vector, clear velocity vector, dekho I am discussing fluid dynamics, clear main fluid dynamics ek baar samjha dunga, agar tumhe ek baar samajh aa jayega what is flux then we can relate to electrostatic, clear so what if so this is the direction of this is the fluid, clear, and velocity vector in this direction, and if this is the area vector, so this is the area, so this is the area, so area vector will be in this direction, so this is the direction of A and this is the direction of B, so what phi q is equal to AB is equal to maximum, kya baat hai maximum, and if second case if this is the fluid, so here theta is equal to 0 degree means A and B are in the same direction and also for this fluid so this is the velocity vector and now if this is the area, this is the area, yani ki babu is case mein kya for this case this is the surface like this, क्लियर, एंड फॉर दिस सरफेस इज लाइक दिस, यानी कि ऐसा कर दिया था क्या, अभी फ्लूइड थोड़ी जाएगा यार, ऊपर जाएगा इसका क्रॉस थोड़ी करेगा, एरिया से क्रॉस करना चाहिए इधर, ओके क्लियर हेयर योर सरफेस लाइक दिस, क्लियर, सो दिस इज द नॉर्मल एंड फॉर हेयर योर सरफेस लाइक दिस, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, सो व्हाट, सो इफ दिस इज द सरफेस, सो दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, सो व्हाट फाई इज इक्वल टू 0 व्हिच इज मिनिमम एंड दिस इज द फाई, क्लियर, and this is the theta and this is 90 degree and this is the angle between A and B vector, means as you are going from theta is equal to 0 to theta is equal to 90 degree, your velocity vector is your flux is decreasing, clear, flux is decreasing, aapko maloom hai cos 0 kya hota hai, maximum hota hai aur cos 0 मिनिमम होता है, तो अगर ऐसे रिलेट करूं तो अपना फाइ जो होगा क्या होगा बाबू, ए डॉट बी और ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, अब क्या होगा वेन थीटा इज इक्वल टू 0 फाइ इज इक्वल टू ए बी व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइ इज इक्वल टू 0 व्हिच इज द मिनिमम
वेल मींस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एंड एन एरिया वेक्टर एंड आल्सो द एंगल बिटवीन द टू एंड द रिलेशन विल बी लाइक दिस ए डॉट बी सो योर योर फ्लो रेट इज ए डॉट बी और बी डॉट ए बी डॉट ए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है यू कैन डॉट प्रोडक्ट कम्यूट कर जाता है यू कैन इंटरचेंज सो व्हाट फाइ इज द रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर एरिया वेक्टर एंड दिस इज वेयर क्लियर दिस इज वेयर योर योर वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट ओवर द गिवन एरिया क्लियर अगर वेलोसिटी वेक्टर है और गिवन एरिया पर क्या है कांस्टेंट है इफ योर वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग मान लो कि डिफरेंट पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर क्या है चेंज है तो क्या करोगे छोटा सा एरिया लोगे और फिर उस एरिया के लिए फ्लक्स फाइंड करोगे देन यू हैव टू इंटीग्रेट सो फॉर चेंजिंग velocity vector means your velocity vector is different and different area then phi will be integration v dot da छोटा सा area लोगे and for that area your velocity vector will be constant clear तो थोड़ा सा flux find करके उसको integrate करो क्या होगा पूरा flux मिल जाएगा got my point clear तो जल्दी लिखो दिख लिया बेटे लिख लिया सबने कहाँ चले गए क्या आएंगे धीरे धीरे आएंगे लिख लिया सबने ये कर लिया डन कर लिया ये सब कर लिया किसी को आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी कर लिया ये गुड If this is not new and this is the velocity vector तुमने area ऐसे किया था ये area था area vector is this ना d ये भी बोल सकते हैं बाबू area ये सिर्फ नोट करते हैं और s सिर्फ नोट करते हैं so s भी a भी ले सकते हैं clear so इसको बोल सकते हैं a vector और n cap a vector क्लियर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड एन कैप इज द नॉर्मल टू द सरफेस दे आर सेम यानी इफ यू दिस इज द फ्लो रेट इज इक्वल टू ए डॉट वी इसको ऐसे लिख सकते हो वी सॉरी वी डॉट ए भी लिख सकते हो इधर इसको ऐसे लिख सकते हो वी डॉट एन डी ए और ये भी लिख सकते हो कि वी डॉट सॉरी वी डॉट एन ए ऐसे लिख सकते हो वी डॉट एन एस क्लियर एन कैप जब लगा एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर व्हाट माय पॉइंट एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस और फॉर वेरिएबल फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट एन डी एस क्लियर ऐसे भी लिख सकते हो वी डॉट एन डी एस एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्लियर एंड दिस इज द जनरल वन ये सबके लिए वैलिड होगा अभी कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकाल दोगे और डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा एरिया सो यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हो क्लियर सबको सो एरिया यूनिटेड बाय ए और एस क्लियर एरिया वेक्टर लिख सकते हो या एन कैप ए लिख सकते हो वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्लियर यूनिट नॉर्मल वेक्टर अब देखो बाबू पहले ये बताओ दिस इज द फाइ इक्वल टू ए डॉट वी विच इज ए वी कॉस ऑफ थीटा क्लियर सो ये एक्चुअली मैंने रिलेशन ये लिखा ये मैंने ये बोला देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन द एरिया एंड द वेलोसिटी वेक्टर Why I am taking dot product? क्यों हुआ ऐसा किसी ने पूछा है कोई पूछना चाहता है Why is the relation of dot product? मैं cross ले लेता या कुछ अलग ले लेता dot product ही क्यों आया जानना चाहोगे That will take some time. अभी electrostatic नहीं खत्म शुरू हुआ जो fluid dynamics में घुस रहे हो तुम लोग तो होगा क्या देखो बाबू समझ लो अच्छा काम करेगा कभी अभी लाइफ में कभी जिंदगी में किसी को पढ़ाना पड़े या कुछ बताना पड़े तो बता दो दोस्तों देख बाबू ये तुम्हारा एरिया है वेलोसिटी वेक्टर इज दिस सो दिस इज द एरिया सो दिस वन है लेंथ एंड ब्रेथ तो जब ऐसे किया बाबू
तो एरिया क्या होगा, पूरा ये पूरे होल एरिया से फ्लूड जाएगा ना, पूरे होल एरिया से, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। सो इफ इफ यूर कॉन्फिगरेशन इज दैट लाइक दिस, सो इसको क्या बोल देना, इसको बोल देता हूँ लेंथ, क्लियर। और बी कहाँ है बेटे, बी ये जो कि तुम्हें दिखाई, ये टू डी फिगर को मैंने थ्री डी फिगर को वन डी बनाया, ये क्या बाबू बी है, आ रही बात समझ, ये बी कि एल इज द लेंथ, एल मैंने ब्लूट कर दिया, दिस इज द लेंथ बट दिस इज बी, ये तुमने फिल करना है। सो एल इज द लेंथ एंड बी इज द ब्रेथ, सो एरिया इज इक्वल टू ए बी, दिस इज द एरिया, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, क्लियर। ये क्या बाबू इसका एरिया, लेकिन फ्लूड फ्लो ना, फ्लूड फ्लो होने के लिए हम इस एरिया से मतलब थोड़ी, ऐसे होगा तो क्या होगा मैक्सिमम फ्लूड होगा, ऐसे हो जाएगा क्या होगा मिनिमम फ्लो रेट हो जाएगा, ऐसे होता मैक्सिमम फ्लो रेट, ऐसे होता मिनिमम फ्लो रेट, क्लियर। तो हमें क्या है कि फ्लो रेट को एरिया से मतलब है, लेकिन और भी क्वांटिटी से मतलब है, एंड दैट इज द थीटा, एंगल बिटवीन द, वो कैसे आया, तो होता क्या बाबू देखो, अगर तुम ऐसे करोगे तो क्या होगा, द फ्लूड विल फ्लो थ्रू द होल एरिया ना, लेकिन जैसे टिल्ट करोगे तो टिल्ट करोगे तो क्या होगा, फ्लूड जो किस, ऐसे कर दो इसको, ऐसे कर दो, टिल्ट कर दो, ऐसे टिल्ट है, टिल्टेड है, टिल्टेड है, तो फ्लूड क्या होगा, फ्लूड कैसे फ्लो करेगा, फ्लूड जो है ना रेक्टेंगल बनाओगे इसी एरिया से फ्लो करेगा ना, जैसे फ्लूड ऐसे है, ऐसे टिल्ट है, ऐसे किया था, ऐसे किए हो तो क्या होगा, सबसे एरिया फ्लो करेगा, लेकिन इसको टिल्ट कर रहे हो ऐसे, टिल्ट करोगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, फ्लूड जो फ्लो करेगा वो इतने एरिया से फ्लो करेगा ना, यहाँ से एक लाइन बना के और यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाओ उसी से फ्लो करेगा ना यार, ऐसे किए थे तो पूरे से फ्लूड कर रहा था, जैसे थोड़ा सा एक पेज दो यार, दो पेज दो मुझे, देखो बाबू ये तुम्हारा ऐसा है बिल्कुल, अब क्या होगा, फ्लूड इसी से पूरा फ्लो करेगा, क्लियर, एरिया हो गया एल इंटू बी, बी इंटू एल, अब इसको टिल्ट कर दो, तो टिल्ट कर दो तो क्या होगा, फ्लूड कैसे फ्लो करेगा, जो ऐसे करेगा तो जो इतना से फ्लूड करेगा वो किसके इक्वल होगा, इतना एरिया से जो फ्लूड करेगा उसी तरह, ये एरिया देखो इस एरिया को इसमें कवर कर दिया होगा, ये दिख रहा तो मैं ऐसा एरिया, क्लियर, ऐसा कुछ है, अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो पेज दिख रहा है क्या तुम लोगों का, ये पीछे वाला नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो इतने एरिया से फ्लो, इतने एरिया से जो इस एरिया से फ्लूड फ्लो करेगा, दैट इज इक्वल टू द फ्लो रेट थ्रू दिस ना, फ्लो रेट थ्रू दिस ना, अरे ऐसे था देखो, ऐसे है तो दोनों में डिफरेंस है, ये ऐसे, क्लियर, अब ये ऐसे, तब क्या होगा कि इससे कम फ्लो फ्लू होगा, फ्लू फ्लू फ्लो रेट इसका कम होगा, इससे क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन अगर ऐसे कर रहा हूँ मैं इसको, तब क्या होगा इसका फ्लो रेट और इसका फ्लो रेट क्या होगा सेम हो जाएगा ना, आ रही बात समझ, आ रही बात समझ, कोई दिक्कत, गॉट माय पॉइंट, इसका मतलब एरिया से मतलब नहीं है, मतलब ये कि नॉर्मल एरिया तुम्हारा कितना हुआ, यानी ये एरिया फाइंड करना है तुम्हें, तो इतना ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, अब देखो ऐसे किया, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसका ब्रेथ और इसका ब्रेथ क्या है सेम है, इसके किसमें क्या, इसका लेंथ कम, इसका लेंथ क्या है ज्यादा, यही हो रहा ना, तो अब इसका एरिया फाइंड करना है, इसको मैंने इतना टिल्ट किया तो ये देखा कि इसके थ्रू जो फ्लूड फ्लो हो रहा है वो इसके थ्रू जो फ्लूड फ्लो हो रहा है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जितना एरिया है उस एरिया से जो फ्लूड कर रहा है, फ्लूड फ्लो कर रहा है इस एरिया के, इस एरिया से जो फ्लूड फ्लो रहा है दे आर सेम ना, तो ये जो एरिया है इस एरिया से जितना फ्लूड फ्लो कर रहा है वो एरिया किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये एरिया फाइंड करना तो कैसे हो जाएगा, मान लो कि ऐसा कुछ है ये, तो क्या होगा इसका बी और इसका भी क्या हो रहा है सेम होना दोनों का, द क्वांटिटी व्हिच इज चेंजिंग मान ली एल ना, ऐसे था तो एल पूरा था, जब टिल्ट की हो तो एल क्या होगा, एल क्या हो जाएगा किसके केस में, एल ये वाला हो जाएगा ना लेंथ, इसके लिए लेंथ इज डिक्रीजिंग ना, योर बी इज सेम ना, इफ यू आर टिल्ट, देखो ऐसा कुछ है, क्लियर, तो ये हो गया बी बाबू, ये हो गया एल, इफ यू आर टिल्टिंग टिल्टिंग लाइक दिस, तो बी सेम ओनली क्वांटिटी व्हिच इज चेंजिंग द एल ना, एल चेंज हो रहा ना, गॉट माय पॉइंट, तो ऐसे जब किए होते एरिया एल भी हो गया, टिल्ट कर रहे हो तो जो फ्लूड फ्लो होगा वो इसी एरिया के इक्वल होगा, तो ये एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा एरिया का कंपोनेंट फाइंड करना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका अगर मान लो कि ये पूरा एल है और ये एंगल थीटा मालूम है तो ये लेंथ नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं बेटे, क्लियर, मिल जाएगा कि नहीं, तो देखो एरिया कितना होगा, अब मान लो जिसको मैंने क्या होगा फ्लूड है, ये फ्लूड है, ये कर लिया था सबने, लिख लिया था, चलो ये फ्लूड है, ये फ्लूड है, क्लियर, अब बाबू जब ऐसे था तो नॉर्मल कैसे था, इधर था और वेलोसिटी वेक्टर भी इधर था, क्लियर, अब क्या करूंगा मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ ऐसे,
अब हमने ये ले लिया, ऐसा हो गया। अब केस एक्स से अपना हमने ये पहले ये वाला केस कैसा है, ये वाला है। अब हमने ये वाला केस कैसा है, ऐसा वाला है। क्लियर, ऐसा होगा। क्लियर, जब ऐसा हो गया तो नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा ना, इनका इनका। और ये क्या होगा, ये क्या है, पूरा क्या है बाबू, ऐसे था तो ये था, हमें ऐसे था, जब ऐसे था तो क्या था, ये एल था ना पूरा। अब क्या टिल्ट कर दियो तो ये एल है पूरा। क्लियर, अब टिल्ट किया तो क्या होगा, अब ये एल हो जाएगा ना, ये एल है तो अब ये एल हो जाएगा ना पूरा लेंथ। क्लियर, लेकिन हमने क्या करना, वो एरिया फाइंड करना था। ये क्या बाबू, ये थीटा है, ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये एल क्या करना, ये थीटा है। तो यहाँ से अगर ऐसे करोगे, हमने क्या करना, हमने कौन सा लाइन फाइंड करना बाबू, हमने ये वाला फाइंड करना है ना, ये वाला, यही वाला होगा ना। टिल्ट करोगे तो ऐसे ऐसे करोगे, ये वाला एरिया था, देखो ये टिल्ट किया, ऐसे किया। क्लियर, तो ये क्या बोला, ये वाला इसको कवर कर दिया ना, कि हमको ये लेंथ फाइंड करना है, यानी कि यही वाला लेंथ ये है ना। बी इज नॉट चेंजिंग, ओनली एल इज चेंजिंग ना, ऐसा ही कुछ बन रहा था ना। अब क्यों देखो, ये वाला तुम्हारा ये वाला है, ये वाला है बोलू मैं, और ये वाला छोटे वाला लगाया था, क्या कर दिया था, छोटे वाला इसको कवर कर दिया था ना, तो छोटे वाला का हमने लेंथ फाइंड करना है, बी इसका और इसका क्या होगा, सेम होगा। तो हमने ये वाला लेंथ फाइंड करना है, इफ दिस इज थीटा, तो ऐसा अगर ऐसे करोगे, इफ दिस इज थीटा, तो ये कितना होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा बेटा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना पूरा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये नॉर्मल, तो ये थीटा पे कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, कितना ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये खाली ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। आ रही बात समझ, तो ये कितना होगा थीटा। अब ये एल है तो ये कितना होगा, एल कॉस थीटा ना, ये एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा। गॉट माय पॉइंट। क्लियर, नाउ एरिया ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए कितना होगा, एरिया विल बी एल कॉस थीटा इनटू बी व्हिच इज एल बी कॉस थीटा, और एल बी क्या था बाबू, इसका एरिया, इसको ए कॉस थीटा लिख सकते हैं अपन। अब ए कॉस थीटा इज, अब ए कॉस थीटा का डायरेक्शन किधर होगा बाबू, ए कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए कॉस थीटा विल बी द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। देखो यहां पे ये तुम्हारा टिल्टेड वाला था और ऐसा लगा दिया, क्लियर, टिल्टेड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल नीचे होगा, लेकिन ऐसा लगा दिया तो क्या होगा, अब ये क्या, ये आगे वाला क्या है, नॉर्मल है ना, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो फ्लक्स क्या होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो क्या होगा, फ्लक्स पाई इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी करोगे ना, तब होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये वाला अब एरिया आ जाएगा इसके जगह पर। गॉट माय पॉइंट। क्लियर, जल्दी लिखो, कर लिया बाबू, कर लिया, डन। कोई डाउट किसी को, कैसे हुआ, वाहवाही बेटे की, ये भी कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिया तो करोगे इजीली, घर पे भी जाके थोड़ा बहुत करो, फिगर वगैरह बनाओ, जब तक फिल नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है करने का, सुबह ये थोड़ा नहीं दिख रहा था तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, इस कंपोनेंट को मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर है एरिया इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, ए बी कॉस ऑफ थीटा, क्लियर, सॉरी एल बी कॉस ऑफ थीटा विच इक्वल टू ए ए कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, ये नहीं दिख रहा था, कर लिया बेटे, कर लिया, इरेज करूं, करूं इरेज, गुड। सो दिस इज योर, अब मैं फ्लूइड डायनेमिक्स जब पढ़ाता हूँ तो ये कभी नहीं बताता फ्लूइड डायनेमिक्स में, इसलिए कि फ्लूइड डायनेमिक्स जब भी पढ़ाओ तो बच्चे भूल ही जाते हैं, जब फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाओगे जब तक ये नहीं कराओगे तब तक उसको समझ ही नहीं आना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्वेल्थ में इकट्ठा बता देता हूँ, वहाँ तो नॉर्मली चल रहा है चलने, और बोर्ड में क्या होता है कि तुम भी सीरियस नहीं होते, ट्वेल्थ में क्या होता है कि हमें सीरियस रहना पड़ता है, तुम्हें भी करना पड़ता है, रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो गाली टीचर ही खाएगा लास्ट में, है कि नहीं, खुद को ब्लेम करोगे नहीं। सो अब बाबू आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज्यूम टू बी इमेजिनरी फ्लो क्वांटिटी, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी वन, सो इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज
assuming to be imaginary. Flow quantity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फ्लो क्वांटिटी एंड दैट इज द मेजर. ऐसा कुछ नहीं होता है कि फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. दैट इज द मेजर नहीं, दैट इज द मेजर नहीं. सो हमने इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन दिया था एक दर्जे, दर्जे सोर्स चार्ज अंडर द पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4πε0 increasing, n is increasing, so it is increasing. So the region having large density, the field strength will be larger, and the region having low density, the field strength will be smaller. Field strength will be smaller. So here in electric flux we define electric field in other way. We'll define electric field in other way. And for electric flux, we'll define electric field in other way, and definition will be what? Electric field. Electric field. Strength is the number of field lines for unit area, point area normal to the surface. देखो यही definition है बस, इसको मैं language में, क्योंकि there must be some constant, so E directly proportional to some constant K times N. E is equal to some constant K times N, N is the number of field lines per area. तो वही तो लिखा है, electric field strength E is the number of field lines per unit area and normal to the surface. Number of field lines per unit area and also the field line should be normal to the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, मतलब जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है यूनिट एरिया से पास कर रहे हैं उनको काउंट कर लोगे, दैट विल बी योर फील्ड स्ट्रेंथ. बट कंडीशन इज दैट दोज फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल टू दी, दोज फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल टू दी एरिया, नॉर्मल टू द सर्फ, नॉर्मल टू द सर्फ, मतलब ये फील्ड लाइन से पास हो. क्लियर, ये फील्ड लाइन्स है तो अगर ऐसे तुम्हारा सरफेस है, क्लियर, तब कितना होगा, मान लो कि फील्ड लाइन्स कितना है, एन डेंसिटी है इनका, एन क्या है, एन क्या है इनका, एन नंबर डेंसिटी है, यानी कि क्लियर, और इसका एरिया ए है, क्लियर, क्योंकि क्या होगा एन इंटू इनर, मतलब ये फील्ड लाइन्स और इसका एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एन, जितना नंबर ऑफ लाइन्स मान लो कि एन मान लो तो एन अपॉन एना, एन अपॉन एना, अगर एरिया ये इनका ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एन है, एन फील्ड लाइंस जा रहे हैं और इसका एरिया क्या है ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एन अपॉन ए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, यानी यही है ना, नॉर्मल टू द सरफेस, ये नॉर्मल टू, अब क्या है कि फील्ड लाइंस ऐसे है, क्लियर, फील्ड लाइंस है लेकिन एरिया तुम्हारा कैसा आया, ऐसा है ना. अब क्या होगा, ये एरिया है तो नॉर्मल क्या होगा, एरिया का नॉर्मल क्या होगा, ये होगा ना, तो हमने क्या करना है कि इसको ऐसा कंपोनेंट रिजॉल्व करना है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है और नॉर्मल का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन ना, एरिया वेक्टर नॉर्मल इधर है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्लियर, अपना डायरेक्शन क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर एरिया पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि एरिया है उसके सरफेस, उसके नॉर्मल से जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स जाएंगे, यूनिट एरिया में जितने लाइन्स जाएंगे उसी को बोला इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जब डेफिनेशन है, ये जब डेफिनेशन, तो आगे बात समझ, जैसे मान लो अभी क्लियर नहीं हो रहा था, होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे और ये तुम्हारा एरिया है, ऐसा कुछ एरिया,
तो नॉर्मल एरिया से जितने फील्ड लाइन जाएंगे, यानी कि नॉर्मल इधर क्लियर, और ये क्या है, ये क्या है फील्ड लाइन्स है, ये एरिया है, ये एरिया है, तो क्लियर। इससे फील्ड लाइन जाएंगे तो क्या होगा, दिस फील्ड लाइन्स आर पासिंग नॉर्मल टू द सर्फेस। अब फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है ऐसा कुछ, लेकिन तुम्हारा एरिया कुछ ऐसा है, तो दिस फील्ड लाइन, अब फील्ड लाइन ऐसे है और नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा ना, जैसे ऐसा कुछ है तो फील्ड लाइन बाबू इधर है और नॉर्मल किधर है, इधर ना, तो फील्ड लाइन नॉर्मल टू द सर्फेस नहीं है ना, फील्ड लाइन नॉर्मल टू द सर्फेस नहीं है ना, क्लियर। नॉर्मल टू सर्फेस कब होगा, जब नॉर्मल सर्फेस ऐसा है और फील्ड लाइन ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और नॉर्मल भी क्या है, इधर ही है, यानी कि जो फील्ड लाइन है तुम्हारा वो नॉर्मल टू द सर्फेस जा रहा है, इधर ही नॉर्मल है और इधर ही क्या है फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर एरिया नॉर्मल टू द सर्फेस, मीन्स योर फील्ड लाइन शुड बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस। इन अदर वी कैन ऑल्सो टेल्स दैट योर फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, योर फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सर्फेस। इधर ओके, अब हियर यू आर अज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फ्लो क्वांटिटी, हियर यू आर अज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फ्लो क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फ्लो क्वांटिटी है यहाँ, क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इसका मतलब क्या है कि यूनिट एरिया में जितने फील्ड लाइन जा रहे हैं वो हमें मालूम है, क्या होगा गायब कहाँ होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इसका मतलब क्या होगा कि यूनिट एरिया में जितने फील्ड लाइन जा रहे हैं वो हमें मालूम है, यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, क्लियर। पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है, अपना ही बंद हो गया, क्या हुआ, अब हो गया, तो देखो इसको लिखो, इसको लिखो, जल्दी लिखो, कर लिया बाबू, कर लिया, डन डन, कहाँ चलेगा सब, कर लिया ये, गुड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये बात कि मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इससे मतलब क्या, मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देयर इज अ रीजन एंड द रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्लियर। इसका मतलब क्या समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में अगर एक एरिया लेते हैं, क्लियर, और उसका एरिया मान लो कि एरिया क्या लेते हैं, मान लो कि एक एरिया लेते हैं जिसका एरिया कितना है बाबू, 1 मीटर स्क्वायर, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मतलब क्या होगा कि कोई एरिया है जिससे ई नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक मान लो ये रीजन है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रीजन इज ई, तो क्या समझते हैं इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि इस रीजन में एक एरिया वेक्टर ए है, क्लियर, उससे ई नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो नॉर्मल टू द सर्फेस, यानी सारे फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहे हैं, और जितने नंबर पास हो रहे हैं इनका नंबर कितना है बाबू, ई इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर, एंड ऑल्सो योर नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल्सो नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर। सो यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दूसरा, क्लियर, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या मतलब है इसका, मींस यूनिट एरिया से ई नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है, कंडीशन क्या है कि उसका नॉर्मल यानी एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन।
अब मैं क्या करता हूँ कि एक इतना बड़ा सरफेस लगा देता हूँ। अब इसका एरिया मान लो कि ए है नीचे जनरल एक उसके बाद सकता है 2, 3, 4, 5, 6 जैसे मान लो ए इस पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तब कितना होगा बाबू, कितना इस एरिया से कितने फील्ड लाइन्स जाएंगे, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। अब देखो इज गिवन इज दिस, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर एरिया इज गिवन एंड इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, मींस योर एन एंड ई आर इन द सेम डायरेक्शन, फॉर हियर एन एंड ई आर इन द सेम डायरेक्शन, सो यूनिट एरिया से इतना फील्ड लाइन जाएगा तो 2 मीटर से कितना जाएगा इक्वल टू 2 × E व्हिच इज 2 inner, got my point, so in generally this is the field line and that is field strength is A and this is the area, having area A then total number of field lines, total number of field line passing through A is equal to AE, area into electric field strength na, and this quantity area into electric field strength is called the flux of electric field, number of field lines passing through a given area normal to the surface is called the flux of electric field, so this guy is called the flux of electric field, this guy is called the flux of electric field, condition is what, electric field line and normal should be in the same direction. ये definition है, electric field strength is the number of field lines normal to the surface and per unit area. तो unit area का आपको मालूम है कितना field line unit area से जा रहा है, जितना area होगा उसको find करने के लिए करो, multiply कर दोगे ना, clear? जल्दी से लिखो, we are running out of time, 5 minutes है, जल्दी लिखो, मैं clear करूँगा। चलिए बाबू फोटो ले लो ध्यान से ले लो, इसी मेरे को बाबू फोटो ले लिया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं इरेज करूं 5 मिनट का ग्रुप करता हूं इसको बाद में देखेंगे, करूं इरेज इसको ग्रुप में डाल दूंगा मैं फोटो, क्लियर? रिलेट करने को मिलेगा, ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही होगा, सोच क्या। सो बाबू देखो, अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया गिवन है, अगर एरिया ऐसा होगा तो क्या होगा, एरिया ऐसा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्स होगा ना, और वाई फील्ड लाइन ऐसे होगा, और अब एरिया कैसा है, ऐसा है तो एरिया से पास करेगा यहाँ नहीं ना, तो फ्लक्स क्या होगा, मीनू यानी ऐसा ही कुछ है ना जैसा हमने पढ़ा था वहाँ फ्लूड डायनेमिक्स में फ्लक्स क्या था, फाइ इक्वल टू ए बी और फाइ इक्वल टू दिस इज फॉर यूनिफॉर्म और फॉर नॉन यूनिफॉर्म फाइ इक्वल टू वी डॉट एन डी एस ऐसा कुछ था ना, सो इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होगा, ई v वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय e वेक्टर और वहां भी क्या था, एरिया वेक्टर था, यहां भी क्या रहा हूं, एरिया वेक्टर है ना, तो अगर इसकी फ्लक्स की बात करो तो क्या होगा, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइ इक्वल टू इंटीग्रेशन e डॉट n ds, ऐसा ही कुछ है ना यार, मान लो कि ऐसा कुछ है, देखो फर्स्ट कैसे सेकंड इसी तरह फ्लक्स है मैक्सिमम है बिकॉज थीटा क्या है बाबू 0 डिग्री, यहां क्या मिनिमम है बिकॉज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब ऐसा कुछ ले लो ये फील्ड लाइन से बाबू,
और स्ट्रेंथ क्या है, ए है। अब तुम्हारा एरिया कुछ ऐसा है, क्लियर, तो क्या होगा, एम कैप किधर हो जाएगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल हो जाएगा ना, इसका फिर एरिया फाइंड करने के लिए यही एरिया लोगे ना, और ये एरिया क्या होगा, मान लो इसका एरिया ये है, ये कितना होगा, ए कॉस ऑफ थीटा। अब यूनिट एरिया से ई पास कर रहा है, यूनिट एरिया से ई पास कर रहा था, ए कॉस थीटा से कितना जाएगा, ए कॉस थीटा से फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस ऑफ थीटा व्हिच इज ई डॉट ए, यही आया ना, तो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म। अब क्या है कि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कॉन्स्टेंट एट ए गिवन एरिया, यानी कि गिवन एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, एट डिफरेंट प्लेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, तो क्या करोगे, छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे और उसके थ्रू फ्लक्स फाइंड करके और पूरा इंडिकेट करोगे, सो इन जनरल फाई इज इक्वल टू इंडिकेशन ई डॉट एन डी एस, यही होगा ना, व्हाट माय पॉइंट, एंड फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझ आया कि नहीं, ये बताओ किसी को, किसी को डाउट है तो बोले यार, सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी, एकदम इजी है, अभी उधर ही सारा चीज कर दिया मैंने, किसी को डाउट है तो बोलो, ये कैसे हुआ, इस कंटिन्यूम कैसे है, योर वेलोसिटी वेक्टर इन फ्लूइड एलिमेंट इज सेम एज द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन इलेक्ट्रोस्टेट, द सिनेरियो इज सेम, वहां जो भी काम किया था एरिया से कैसे पास करेगा, यहाँ भी क्या करना, एरिया के कंपोनेंट को ले लेना है, क्लियर, एरिया के कंपोनेंट को ले लेना, किसी को डाउट है बाबू, अगर सही है तो थंब अप कर दो, अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, फिर मैं वाइंड अप करूंगा, तुम लोग लिख लेना, किसी को डाउट है अभी तक, और किसी को, सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ, कहाँ चले, कहाँ गई है सर, कोई है ही नहीं, क्लियर, चलो लिख लो।